हेलो दोस्तों दोस्तों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज हम स्टडी कर रहे हैं द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैसेस है वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली ऑक्सीजन हमें अंदर चाहिए और CO2 हमें बाहर निकालना चाहिए। जितना ऑक्सीजन हमारे अंदर रहेगा डेफिनेटली हमारे पास वो एनर्जी ज्यादा पैदा करेगा और CO2 जितना ज्यादा रहेगा वो हमारे कामों में डिस्टर्ब करता जाएगा। इसलिए हमारा टेंडेंसी, हमारा जो जनरल प्रवृत्ति है वो CO2 बाहर निकालने की है। अब ये जो O2 एंड CO2 का मामला है एट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो अलग अलग पार्शियल प्रेशर बताते हैं। इसके अगले वाले पीछे वाले वीडियो में हमने देखा पहले वाले कि CO2 का और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो किस तरह से हवा में, एल्विओल्स में, ब्लड में, टिश्यू में, प्योर ब्लड में अलग, इम्प्योर ब्लड में अलग, टिश्यू में अलग, सो इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। लेकिन जो भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन का मतलब गैसेस का माइग्रेशन ज्यादा से कम की तरफ, डेफिनेटली हम सांस लेते, हवा लंग्स में जाती, लंग से एल्विओल्स में जाती, लंग के एल्विओल्स में जाती और वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाता और CO2 डिफ्यूज होके एल्विओल्स में आता। हम CO2 बाहर निकालते, उस तरह से हम बाहर निकालते। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में गया है वो टिश्यू तक जाता और वहां फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दोस्तों हमारे पास गैसियस एक्सचेंज जो है वो दो जगहों पे मेनली होता है, एक लंग्स और एक हार्ट टिश्यू के पास। जो लंग के पास एट द लंग्स लेवल्स फेफड़े फुफ्फुसा मध्ये जे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होतो, दैट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन है ज्यादा से कम की तरफ। सो ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो गैस माइग्रेशन मूवमेंट करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड भी बढ़ता है। मीन्स एचबी उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है या कंटेन करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, O2 सैचुरेशन, सैचुरेशन इन ब्लड, इन सैचुरेशन इन ब्लड, O2 सैचुरेशन इन ब्लड। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा तो वैसे ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में भी बढ़ता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा तो O2 इधर ब्लड में भी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे ये बढ़ेगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं रेश जो है वो नीचे झुकना चालू होती है। दिस कर्व अगेंस्ट व्हाट यू से पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड का अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो निकलता है एस शेप्ड या सिग्मोइड। अब ये क्या मामला है, कैसा है, आई विल एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, मान लो ये हमारा एल्विओल्स है, दिस इज सपोज द एल्विओल्स, एंड आपको अच्छी तरह से पता है कि एल्विओल्स के बगल में कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी, जिसके साथ ये एल्विओल्स गैसियस एक्सचेंज करता है। इसके साथ में ये एल्विओल्स क्या करता है दोस्तों, गैसियस एक्सचेंज करता है। ये ब्लड कैपिलरी है, this is the blood capillary and this is the alveolus। आपको अच्छी तरह से पता है कि alveolus की जो दीवार है वो one cell thickness है, उसका one cell thick है वो, इसीलिए gases diffuse होकर के इधर से इधर और इधर से इधर जाते हैं। अब you know better कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, oxygen must come in the blood and CO2 from blood must go in the एल्विओल्स। ऑक्सीजन इधर से इधर और CO2 इधर से इधर, तो ये बातें जो है वो लंग के अंदर एल्विओल्स के अंदर एक्सपेक्टेड है। कौन सी बातें, दैट ऑक्सीजन शुड डिफ्यूज फ्रॉम योर एल्विओल्स टू लंग्स एंड CO2 शुड गो फ्रॉम ब्लड टू एल्विओल्स। ये बातें एक्सपेक्टेड है एट द एल्विओल्स लेवल, लेवल ऑफ एल्विओल्स में ये बातें एक्सपेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि अगर यहां पे एल्विओल्स के लेवल पे O2 अंदर ब्लड में आकर के HbO2 कैसे बनता है। HbO2 इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कहां आ रहा बोलो, एल्विओल्स में। एटमॉस्फेयर कितना है, 159।
एल्वियोलस में आने के बाद कितना हुआ 104, ये है PO2 परसेंट, मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलस कितना है 104, एटमॉस्फेयर में कितना है PO2 इज 159। अब जो ये आया उसी समय आपको इधर भी देखना है कि O2 परसेंटेज मतलब PO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कितना है। सो यू विल फाइंड दैट ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इज ओनली 40, इट इज 40। पर यहां पे पार्शियल प्रेशर में बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंस है। ओके, तो यहां ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा और आकर के वो इस HB के साथ कंपाउंड बनाएगा, इट इज HBO2, HB प्लस O2 इज इक्वल टू HBO2। ये HBO2 एट द लंग्स लेवल, एट द एल्वियोलस लेवल बनने के लिए दोस्तों कुछ शर्तें जरूरी है, कुछ कंडीशंस है कि उन कंडीशंस के चलते ही कई अटी है कि कशा प्रकारे ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलस विल डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड विल कंबाइन विथ HB ऑफ ब्लड, हिमोग्लोबिन, RBC से हिमोग्लोबिन च्या सोबत कंबाइन होऊन HBO2 कसं बनव, त्यासाठी काही शर्त, कुछ अट, काही कंडीशंस आहेत। चार कंडीशंस मी तुम्हाला मांडतो, आई विल प्लॉट फोर कंडीशंस। बात कौन सी बोल रहा मैं, एट द एल्वियोलस लेवल, लंग्स लेवल, O2 फ्रॉम एल्वियोलस विल डिफ्यूज इनटू ब्लड विल कंबाइन विद HB एंड विल फॉर्म HBO2। HBO2 बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर एक, एट एल्वियोलस की बात कर रहा मैं, पहली शर्त यह है कि देयर मस्ट बी हाई PO2 एल्वियोलस की बात कर रहा मैं, इन एल्वियोलस हाई PO2। नंबर दो, देयर मस्ट बी लो PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहां कम चाहिए, वो कम ही है, PCO2 इज ओनली, यू कैन से एटमॉस्फेयर में है, ये आप देख सकते हैं कि इट इज 0.3 और एल्वियोलस में इट इज 40, इट इज सॉरी हाई PCO2, हाई PCO2 काफी, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि वो लो चाहिए एंड PO2 जो है वो काफी ज्यादा चाहिए। PO2 यहां पे कितना है 104 mmHg एंड PCO2 कितना है 40 है, आप देख सकते हैं यहां PCO2 कितना हो गया 40 हो गया। उसके साथ में देयर मस्ट बी, तीसरी कंडीशन है लो टेम्परेचर, क्योंकि यहां पे वेंटिलेशन कंटिन्यू चालू है, हवा अंदर आ रही, हवा बाहर जा रही और इसीलिए यहाँ पे तापमान जो है वो काफी ज्यादा कम रहता है दूसरे पार्ट्स के हिसाब से, इट इज ऑल्सो फेवरेबल कंडीशन। एंड चौथी, लो H+ ion concentration, मतलब हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज यहाँ पे काफी कम चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो pH ज्यादा रहता है। तो इस तरह से ये चार शर्तें, कौन सी वाली चार शर्तें एक बार देखो, हाई PO2, लो PCO2, लो टेम्परेचर एंड लो H+ आयन। अगर ये चार शर्तें हैं, तो चार शर्तें अगर है तो O2 फ्रॉम एल्वियोलस कंबाइन विद HB ऑफ ब्लड एंड फॉर्म HBO2, क्या बनेगा HBO2। एक बार फिर से देख लो क्या क्या हो रहा है कि PO2 यहां पे ज्यादा और PO2 यहां पे कम, फिर से PCO2 यहां ज्यादा सॉरी कम और ब्लड में ज्यादा होना चाहिए, CO2 यहां ज्यादा होना चाहिए और तभी जाकर के ये दोनों का गठबंधन हो सकता है HB का और O2 का टू फॉर्म HBO2। और इस तरह से चार शर्तें फिर से एक बार देख लो, एल्वियोलस के जगह पे HBO2 का कॉम्बिनेशन होने के लिए और उसके साथ साथ HBCO2 का कॉम्बिनेशन टूटने के लिए कौन किधर से डिफ्यूज हो रहा, कौन किधर से आ रहा, कौन सा गैस किधर से किधर आ रहा, O2 फ्रॉम एल्वियोलस टू ब्लड, CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलस, CO2 इधर जाएगा
O2 इधर अंदर आएगा, O2 अंदर आने के बाद किसके साथ कंबाइन हो रहा, HB के साथ, to form HBO2। शर्त क्या है, शर्त नंबर एक, high PO2, low PCO2, low temperature, low H+ ion concentration। चार शर्तें अगर है तो HBO2 बनेगा कहां, एल्वियोलस में। अब ये बन गया प्योर ब्लड। दोस्तों ये HBO2 लेकर के ब्लड जाएगा टू द टिश्यू। अब ब्लड कहां आ रहा, टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास आने के बाद टिश्यू के पास आने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट द लेवल ऑफ टिश्यू। मान लो वो प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेकर के टिश्यू के पास गया, क्योंकि ऑक्सीजन की सही जरूरत किसको है, टिश्यू को है। क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो रेस्पिरेशन होगा, माने एनर्जी बाहर निकलेगी, और इसीलिए अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आ गया यहाँ टिश्यू के पास। अब ये मान लो दिस इज ब्लड कैपिलरी, और इस ब्लड कैपिलरी ने क्या लाया है, O2 लाया है, ये O2 लेकर के आया। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि PO2 टिश्यू में 40 है, PO2 टिश्यू के अंदर कितना है, PO2 इट इज 40, PCO2 45, यहां पे व्हाट यू से PO2 कितना है 95, और PCO2 कितना है इट इज 40। सीधी सीधी बात है कि ऑक्सीजन यहां ज्यादा यहां कम, CO2 यहां ज्यादा यहां कम, तो CO2 जाना चाहिए इधर और O2 आना चाहिए इधर। लेकिन आपको पता है ना अच्छी तरह से कि O2 किस फॉर्म में है ब्लड में, O2 किस फॉर्म में है दोस्तों, ब्लड में O2 है HBO2 के फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ HBO2। मतलब ये गठबंधन क्या होना, टूटना, HBO2 टूटेगा तो HB अलग प्लस O2 अलग, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस तरह से यहां HBO2 टूट करके O2 अंदर आना, और यहां CO2 इधर जाना, और HB के साथ कंबाइन होके HBCO2 बनना, ये प्रोसेस तभी होगा दोस्तों। HBO2 का गठबंधन टूटने के लिए फिर से चार शर्तें हैं। आपको पता है HBO2 बनने के लिए ये चार शर्तें थी, ये चार शर्तें किसके लिए थी, HBO2 बनाने के लिए। आपको पता है HBO2 बन करके प्योर ब्लड बना, ऐसा 100 ml ऑफ ऑक्सीजिनेटेड और प्योर ब्लड जो होता है वो सप्लाई 5 ml, सप्लाई 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऐसा प्योर ब्लड टिश्यू को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करता, 100 ml ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 5 ml ऑफ O2। 100 ml ऑफ ब्लड प्योर ब्लड, 100 ml ऑफ ऐसा प्योर ब्लड, कैसा, जो यहां आया है टिश्यू के पास HBO2 लेकर के आया लंग्स से। अब हम बात कर रहे टिश्यू के लेवल की, टिश्यू के लेवल को HBO2 टूटना, तब जाकर के O2 आएगा टिश्यू के अंदर, CO2 जाएगा ब्लड के अंदर। फिर से बोलता HBO2 कहां बनाता, लंग्स के पास, कहां आया टिश्यू के पास। क्या होना चाहिए यहां, डिसोसिएशन, माने HBO2 शुड ब्रेक इनटू HB+O2, तब जाकर के O2 कहां आएगा टिश्यू में, तो काम होगा। ये होने के लिए फिर से चार शर्तें हैं दोस्तों, एट टिश्यू लेवल फिर से चार शर्तें हैं। शर्त नंबर एक, देयर मस्ट बी हाई PCO2, वो है, देखो PCO2 ज्यादा यहां पे, यहां PCO2 40, यहां PCO2 45। नंबर दो, लो PO2 बिल्कुल है, यहां PO2 देखो 40 है, यहां PO2 95 है, ऑक्सीमीटर से आप कैलकुलेट करते हैं, PO2 ब्लड में 95, टिश्यू में ओनली 40, दैट इज लो PO2, PO2 कम है। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर, डेफिनेटली दोस्तों यहां पे टेम्परेचर टिश्यू में ज्यादा ईच होता है। अब बोलेंगे टिश्यू में टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता, क्योंकि टिश्यू में टेम्परेचर पैदा होता है।
इशू में टेम्परेचर पैदा होता है और इसीलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये भी एक शर्त है, कंडीशन, अट है, त्याच्यामुळे HbO2 चं कॉम्बिनेशन तुटेगा, O2 अलग HbO अलग, O2 आएगा टिश्यू में। और चौथी शर्त जो है वो है हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है और वो होता ही है, H+ टिश्यूच्या ठिकाणी जास्त असतं, लंगच्या ठिकाणी कमी असतं। सो ये चार शर्तें ओके एट टिश्यू लेवल विल ब्रेक, इट विल ब्रेक, किसको ब्रेक करेगा, HbO2 एंड कन्वर्ट द HbO2 इनटू Hb एंड O2, O2 जाएगा टिश्यू में और Hb के साथ टिश्यू से आएगा CO2 जो बनेगा HbCO2। सो दिस इज द एक्चुअली यू नो द आप देखो कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा O2 का, पार्शियल प्रेशर O2 का बढ़ रहा है तो O2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में भी बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ आगे और बढ़ रहा O2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, लेकिन एक लेवल के बाद O2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता, भले PO2 आप बढ़ाएंगे, आप पार्शियल प्रेशर तो बढ़ा सकते हैं लेकिन साथ में O2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दैट इफेक्ट्स द यू कैन से डिफ्यूजन प्रोसेस एक दूसरे का, एंड खासतौर पे यहाँ पे टिश्यू लेवल पे और लंग्स लेवल पे आपको ध्यान देना है। एल्विओलस लंग्स लेवल पे HbO2 का गठबंधन बन रहा और टिश्यू लेवल पे ये गठबंधन टूट रहा, लंग्स लेवल पे HbCO2 का गठबंधन टूट रहा और टिश्यू लेवल पे HbCO2 का गठबंधन बन रहा, ये CO2 ब्लड में जाएगा, HbCO2 के साथ कंबाइन करेगा, HbCO2 बनेगा। मैं फिर से बोल रहा, एल्विओलस में कौन बन रहा, कौन टूट रहा, टिश्यू पे कौन बन रहा, कौन टूट रहा, आई विल एक्सप्लेन। एल्विओलस के लेवल पे HbCO2 एंड O2 का बन रहा, HbCO2 टूट रहा, टूटेगा इसलिए तो CO2 बाहर फेंक सकेंगे बाहर, वो तभी ना जब HbCO2 को छोड़ देगा, और जो सांस लिया आपने अंदर उसमें से ऑक्सीजन गया वो किसके साथ कंबाइन होगा, HbCO2 के साथ, इट विल फॉर्म HbO2। उसके लिए चार शर्त है एट लंग्स लेवल। टिश्यू लेवल पे कौन टूट रहा, कौन बन रहा, HbO2 टूट रहा और HbCO2 बन रहा, HbO2 टूट रहा, टूटने के लिए ये चार शर्त है, हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, यहाँ ज्यादा ही है, ये फैक्ट्री है, CO2 बनाता है, दिस विल प्रोड्यूस द CO2, दैट इज व्हाई PCO2 यहाँ ज्यादा ही रहता है। लो PO2, ये O2 खाता इसलिए O2 यहाँ कम रहता है, O2 ब्लड से आता है, लो O2, हाई टेम्परेचर डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ अगर रेस्पायरेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर पैदा होता है, ऑक्सीजन जैसे आएगा कार्यक्रम शुरू होगा, इट विल प्रोड्यूस द यू नो हाई टेम्परेचर एंड हाई H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन, इससे HbO2 टूटेगा, HbCO2 बनेगा, एट द एल्विओलस लेवल HbO2 बनेगा, HbCO2 टूटेगा, एट टिश्यू लेवल HbO2 टूटेगा, HbCO2 बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एंड हाउ इट इफेक्ट्स ऑन योर concentration of your oxygen in the blood, or partial pressure of oxygen बढ़ाते जाएंगे, saturation बढ़ेगा, लेकिन एक point के बाद में ये curve आपको नीचे आता नजर आएगा, this is S-shaped, S sigmoid growth curve, शुरू में slowly slowly बढ़ता जाएगा, बाद में एकदम से बढ़ता है, बाद में slowly slowly down होता है, this is S-shaped growth curve of O2 partial pressure against O2 saturation, thank you very much।